हमारे पास जब लोग आते हैं और वो दाखिले तरीकत होते हैं तो हम जो बुनियादी चीज़ें उनको बताते हैं तो उनमें से एक चीज़ ये लाजमी बताते हैं कि रिस्क पाक नहीं होगा तो बातिन रोशन नहीं होगा। ये बुनियादी बात है। अगर रिस्क पाक नहीं है तो मेरे हुजूर ने इरशाद फरमाया कि एक बंदा सफ़र करके काबतुल्ला के सहन में पहुँचता है और काबे के पर्दों को थाम ला है, वह यमुद्दो यदैह और लंबे लंबे हाथ करके कहता है ए अल्लाह, लेकिन उसका खाना हराम है, उसका पीना हराम है, उसका लिबास हराम है, वो गुज़ा बिल हराम, उसको गजा हराम से दी गई है। मेरे हुजूर ने फरमाया उसकी कोई दुआ कबूल नहीं होगी। सफ़र किया, जंगल पहाड़ काटे, समुंदरों को पाट करके आगे गया, हवाओं के कलेजे चीर के आगे बढ़ा, महीनों की मुसाफतें तय करके गया और काबतुल्ला के सामने खड़ा है, सेने हरम में मताफ में खड़ा है, लेकिन उसका जिस्म हराम से पला है, उसने जो पहना है उस लिबास का ताना या बाना हराम का है, उसको गजा हराम की दी गई है, उसने पिया हराम का है, उसने खाया हराम का है, तो फिर उसका ये सारा सफ़र रायगा चला जाएगा, उसको कुछ नहीं सीखेगा। तो सबसे पहली शर्त इस उन्वान से अक्ल हलाल है। उसके बाद फिर सिद्क मकाल है कि आपकी ज़ुबान झूठ ना बोले। जब कोई शख्स झूठ बोलता है, रूहानियात तो दूर की बात है, अल्लाह के फरिश्ते उससे एक मील दूर हट जाते हैं। जब कोई शख्स झूठ बोलता है तो हदीस पाक में आता है उसके मुंह से एक ख़ास किस्म की बदबू निकलती है, उस बदबू को हम नहीं सूंघ पाते लेकिन फरिश्ते सूंघ लेते हैं, क्योंकि फरिश्ते इंतहाई हसास मखलूक है और वो झूठ की वजह से निकलने वाली बदबू को सूंघते हैं। अल्लाह ने हज़रत इमाम आज़म इमाम अबू हनीफ़ा रदी अल्लाह तआला को ये बसीरत अता की थी और ये बातनी नज़र बख्शी थी कि जब कोई शख्स वज़ू करता था तो उसके वज़ू के पानी से पहचान लेते थे कि ये किस गुनाह का मुजरिम है। जब बंदा वज़ू करता है तो वज़ू से हाथों के गुनाह झड़ते हैं, मुंह के गुनाह झड़ते हैं, तो वो वज़ू के पानी से इस बात को महसूस करते थे। अल्लाह ने उनको वो बसीरत अता की, लेकिन उन्होंने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की, मालिक मुझसे ये चीज़ छीन ले, ये चीज़ मुझे नहीं चाहिए। लोगों के बारे में जो है वो ऐसा गुमान फिर पैदा होता है। तो फरिश्तों को अल्लाह ने वो हसास जो है वो पाकीज़ा वजूद दिया, और उनकी हिस ऐसी है कि वो बदबू जो इंसान बोलता है और लफ्ज़ों से जो असरात निकलते हैं वो महसूस करते हैं। तो जब कोई शख्स झूठ बोलता है तो उसके जिस्म से, उसकी ज़ुबान से झूठ के साथ बदबू निकलती है, अल्लाह के फरिश्ते एक मील दूर तक पीछे हट जाते हैं। तो मुझे बताइए, जो शख्स झूठ बोलता हो क्या उसे कोई रूहानी मर्तबा मिल सकता है? ये सोचा भी नहीं जा सकता, ये इम्कानात से ही नहीं है। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि हुजूर, कोई मुसलमान, कोई मोमिन क्या बुजदिल हो सकता है? फरमाने वो बहादुर होता है, लेकिन हो सकता है कभी उससे बुजदिली भी सरसद हो जाए। इंसानी कमज़ोरी है, कभी इंसान बहुत ताकत में होता है, कभी इंसान कमज़ोर भी पड़ जाता है। फरमाया हो सकता है कभी उससे हो भी जाए। फिर पूछा कि बुखल कर सकता है? फरमाया नहीं, मोमिन सखी होता है, लेकिन हो सकता है कभी उससे बुखल भी हो जाए, कभी कभी दौलत उसे अच्छी भी लगने लग जाती है। जिस तरह फरमाया गया कि औलाद मुबखिलतुन मुजबिनतुन, ये जो औलाद होती है ये बंदे को बखील भी बना देती है और बुजदिल भी बना देती है। जब औलाद नहीं होती तो बंदा सखी भी होता है और बंदा जो है वो मुश्किल हालात में भी कूद जाता है, लेकिन जब औलाद होती है तो फिर मुश्किल हालात में कूदने से पहले सोचता है मेरे बच्चे हैं, यतीम हो जाएंगे, उसको ये ख्याल आता है, पहले ऐसे माल लुटाता है, लेकिन औलाद हो जाए तो फिर वो औलाद का सोचता है कि इनके लिए कुछ मैं जमा कर लूँ। तो औलाद, फरमाया मेरे हुजूर ने कि मुबखिला व मुजबिना, ये बखील भी कर देती है और ये कमज़ोर और बुजदिल भी बना देती है। तो मोमिन होता बहादुर है, लेकिन हो सकता है कभी उससे बुजदिली भी हो जाए। मोमिन सखी होता है, लेकिन कभी हो सकता है उससे बुखल भी हो जाए। लेकिन तीसरा सवाल हुजूर से पूछा गया कि मोमिन झूठा हो सकता है? तो इस पे दो टोक कहा, नहीं, झूठा नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता कि मोमिन हो और झूठा हो, वो सच बोलने वाला हो। तो अकल हलाल और सिद्क मकाल, ये दो खूबियाँ जो हैं ये अहलुल्ला का तुर्रा इम्तियाज़ है, और ये मुझे और आपको इख्तियार करनी चाहिए। हज़रत खलीलुल्ला जब वादिये गैर ज़ी ज़रा में
सैयदा हाजरा और उनके मासूम नौनहाल को छोड़ करके जाने लगे। ऐसी वादी जहां हैवानी वजूद भी नहीं था, नबातात भी नहीं पाए जाते थे, पानी का एक कतरा भी दस्तयाब नहीं था, काले स्याह मुहीप पहाड़ जैसे फुलाद पिघला के डाल दिया हो। वो वादी जहां दिन को भी खौफ आए, वहां हजरत हाजरा ने रातें भी गुजारी। कितना दर्दनाक लम्हा था जब सहरी का वक्त हुआ, हजरत खलीलुल्लाह दुआएं दे के रुखसत होने लगे। हजरत हाजरा सलामुल्लाह ने आगे बढ़ के अपने शौहर नामदार का दामन पकड़ लिया। तमस्सकत बिअज़ियालिही, दामन पकड़ के बोली, मेरे शौहर नामदार, इस मुहीब वादी में, इस पहाड़ों के दामन में, जहां दिन को भी खौफ आए, नौनहाल मासूम के हमरा मुझे छोड़ के कहां जा रहे हो? हजरत खलीलुल्लाह ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर कदम उठाया तो जौजा ने फिर दामन पकड़ा, फिर वही सवाल, फिर कोई जवाब नहीं आया। तीसरी मर्तबा दामन पकड़ा, खलीलुल्लाह की जानब से कोई जवाब नहीं आया, तो खातून खुद बोली, क्या अल्लाह का हुक्म तो नहीं? तो हजरत खलीलुल्लाह ने कहा, नाम हाँ, उसी का हुक्म है। हजरत हाजरा ने दामन छोड़ दिया, कहा जाइए, खैर से जाइए, अगर उसका हुक्म है वो हमें जाया नहीं होने देगा। जहां दिन नहीं गुजारे जा सकते थे, फिर उस खातून ने वहां रातें भी काटी। वो वादी जिसमें वहशत भी कदम रखती थी डर डर के, जहां फिरते थे आवारा थपेड़े बादे सर सर के, जहां पर घास उगती है, जहां ना फूल खिलते हैं, मगर वो सरजमी है आसमां भी झुक के मिलते हैं। अपनी पाक बास बीवी और नौनहाल बेटे को छोड़ के हजरत खलीलुल्लाह दुआएं दे के रुखसत हो गए। थोड़ा सा तोशा था, दो एक दिन के बाद खत्म हो गया। फिर माँ की छाती से दूध भी खुश्क हो गया, नौनहाल प्यास से तड़पने लगा। माँ तो फिर माँ होती है, तड़पती हुई ममता का दिल बेकरार हुआ। एक पत्थर के साए में मासूम इस्माइल अलैहिस्सलाम को लटाया और पानी की तलाश में जबले सफा पे चढ़ी। अतराफ में आसमानों की तरफ देखा, कहीं कोई परिंदे उड़ते दिखाई दें और पानी का निशान मिले और मैं वहां से बेटे के लिए दो बूंद ले आऊं, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। ता हद्दे नजर फैला हुआ, आसमान ही आसमान है और पहाड़ी पहाड़ नीचे दिखाई देते हैं। फिर मरवा पे आई, दरमियान में नशेबी जगह थी, वहां बेटे का मन मोहना चेहरा दिखाई नहीं देता था। दौड़ के गुजरी और जाके सफा पे घूम के देखा, कुछ नजर नहीं आया। इधर भी देख लिया, इधर भी देख लिया, लेकिन माँ थी। फिर दोबारा सफा पे आई, सफा पे देखा, कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर तड़प के मरवा पे आई, वहां फिर देखा, कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर सफा पे आई, कभी सफा पे कभी मरवा पे, तड़पती हुई माँ की ममता, बेकरार दिल, उधर पानी की प्यास से तड़पता हुआ मासूम इस्माइल पत्थर की ओट में। दरमियान से माँ गुजरती है तो भाग के गुजरती है कि बेटे का मन मोना चेहरा भी निगाहों के सामने रहे। जरा मंजर तो देखो, कितना दिल आवेज है। अल्लाह अकबर, सीनों में पित्ते पानी हो जाएं, पत्थर भी हो तो पिघल जाए इस जुहरा गदास दास्तान से। लेकिन अल्लाह पर तवक्कुल और माँ की बेकरारियां, कभी सफा पे कभी मरवा पे, जुबान पे शिकायत नहीं है। फिर जब मरवा पे पहुंचती हैं, सात चक्कर मुकम्मल हो गए, तो उधर क्या देखा कि मासूम इस्माइल एड़ियां रगड़ रहा है। माँ का दिल डोलने लगा कि बेटा आखिरी लम्हों में, दौड़ी कि बेटे को जाके अपनी छाती से चमटाऊं, हो सकता है दो कतरे दूध के उसकी जिंदगी की आस बंधा दें। तो माँ दौड़ती हुई आई, लेकिन जब करीब आई तो मंजर बदला हुआ था। मासूम की एड़ियों के रगड़ने से ताजा चश्मा फूट रहा है, पानी है कि बेकाबू होना चाह रहा है। आगे बढ़ी, जल्दी जल्दी मिट्टी की मंढेरी करते हुए कहा, जम जम, रुक जा रुक जा। अल्लाह अकबर, हाजरा सलामुल्लाह अलैहा ने हजरत इस्माइल की मोहब्बत और अपने रब पर तवक्कुल की अनोखी और अलबेली दास्तां रकम की। कहा, हाजरा तूने भी हद कर दी, लेकिन कयामत तक तेरी राहों को भी जलवागाह बना देंगे। यहां नबी भी दौड़ेंगे, वली भी दौड़ेंगे, गौस भी दौड़ेंगे, कुतुब और अब्दाल भी दौड़ेंगे, शहनशाह भी दौड़ेंगे, कजकुला भी दौड़ेंगे। ये दौड़ना हम इबादत बना देंगे, हत्ता के इमामुल अंबिया भी उन राहों की साई करते रहे। अजीब रंग, अजीब मंजर और अजीब कैफ का आलम। अच्छा, यहां रुक के एक बात करना चाहूंगा, अगर आपकी तवज्जो हो, जहां हजरत हाजरा दौड़ी और उनके मुबारक कदम वहां लगे और लग के हट गए, आर्जी निस्बत है, मुस्तकिल निस्बत नहीं है,
जहां उनके कदम लग के हट गए वो जगह तो जलवा गाह बन गई, और जहां हुजूर खुद जलवा फरमा है वो गुंबद खजरा जलवा गाह क्यों नहीं हो सकता। अब ये पानी जहां हजरत इस्माइल के कदम लगे, ये पानी दुनिया का अजीम तरीन पानी है। और फिर इसका प्रोटोकॉल ये है, इसको खड़े होके पिया जाता है। यार यहां भी रोक के एक बात कह दूं, हजरत इस्माइल के कदमों को छूने वाले पानी का प्रोटोकॉल है कि उसके लिए खड़े हो जाएं। और हजरत इस्माइल मस्जिद अक्सा में जिसके पीछे खड़े होके नमाज पढ़ते हैं, उस इमाम के लिए खड़े होके मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम पढ़ लें तो इसमें शिरक कहां से आ जाएगा। तो ये तकरीम है, ये इज्जत है उस पानी की कि उसने हजरत ज़बीहुल्लाह के कदम छुए हैं। तो ये सारा हज अल्लाह अकबर हमें हमारे माजी से जोड़ता है।